सत श्री अकाल फ्रेंड्स, अजय सिडाना दिस साइड। गिल्स मेंटोर ई लर्निंग चैनल देख रहे सारे ही एस्पायरेंट्स का मैं वेलकम करदा। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो फ्रेंड्स, दिस इज सेवंथ लेक्चर इन आवर ऑन गोइंग स्टैटिक जीके सीरीज एंड द टॉपिक इज मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट मीन्स बंदरगाह। मीन्स इस लेक्चर च आपां लैक्चर नंबर 6 तो बाद कंटिन्यू करांगे जो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। लैक्चर नंबर 6 दे विच आपां इनर ट्रांसपोर्ट किया सी, इनलैंड ट्रांसपोर्ट किया सी, हुण आपां गल करांगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मीन्स आउटर ट्रांसपोर्ट, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया दी आपां गल करांगे। सो अगे जाण तो पहला थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दसदा कि इस सीरीज च आपां स्टार्ट किया सी मई दे मंथ तो ही आपां स्टार्ट किया सी। फर्स्ट आपां लैक्चर किया हैरीटेज साइट, वर्ल्ड हैरीटेज साइट एंड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपां किया। दैन आपां टॉपिक लिता टैंपल्स ऑफ इंडिया जिंदा आपां पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिता। सो ये चार लैक्चर सी पहले। फर्स्ट लैक्चर दे विच आपां इन्हां दोनों टॉपिक्स दे किते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैन सिक्स नंबर लैक्चर आपां स्टार्ट किया वाटर ट्रांसपोर्ट, जिंदे च आपां सिक्स नंबर लैक्चर किया कोस्टल जोनस एंड वाटरवेज इन इंडिया। एंड ये जो अपना सैवंथ लैक्चर है एंदे च आपां कर रहे हैं पोर्ट्स ऑफ इंडिया मेजर एज वैल एज माइनर। तुहानूं पता है जदों भी आपां कोई दो टॉपिक कर लैंदे आ दैन आपां उस तो रिलेटिड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड किहड़े किहड़े एम सी क्यू बन सकते हैं वो आपां डिस्कस करते हैं। सो नैक्सट लैक्चर इन्हां दोनों टॉपिक्स ते, या ये कह लो कि वाटर ट्रांसपोर्ट ते आपां करांगे एम सी क्यू एंड प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन आए। दैन आपां अगला टॉपिक लवांगे लाइक ईयर ट्रांसपोर्ट एंड मैनी मोर लैक्चरस आर टू बी कम। सो इट्स अप टू यू कि तुसी हुन इन्ने कंटेंट नूं किस तरीके नाल तुसी कंटिन्यू रखना है। एंड जरूरी नहीं है कि तुसी इनू इस चीज़ ते रखो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां जदों एग्जाम आएगा उदों ही देखांगे। तुसी इनू रेगुलर इन टच रहो इस दे नाल नाल। सब तो इंपोर्टेंट, अपनी हर संडे संडे जीके ब्लास्ट आंदा है थोड़ा फेवरेट लैक्चर फ्रेंड्स। उन्दे च थोनों मैं पिछले लैक्चर दे विच संडे वाले लैक्चर दस्या सी कि तुसी मैनू 3 आवर्स दिओ एक वीक दे, एक वीक दे 3 आवर्स जिन्हां चों 2 आवर्स दी तुसी 3 वीडियोज़ लगानी है। 40-40 मिनट्स दे 3 लैक्चर होंदे है संडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे। ट्यूजडे एंड फ्राइडे आपां स्टैटिक जीके दा कोई वड्डा टॉपिक चकदे हाँ जिन्हां नूं आपां इन कंप्लीट डिटेल आपां करदे हाँ। एंड संडे नूं जो भी उस वीक दे अपने पूरे वीक दे जो करंट इशूज़ रहे उन्हां नाल रिलेट करदी हुई जो जो स्टैटिक जीके बनदी है वह आपां सारी करदे हाँ। सो दोस्तों चलते हैं इस टॉपिक दे वल जो है मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो जिमें कि मैं थोनों दसिया सिक्स लैक्चर दे विच आपां डिस्कस किया सी व्हाट इज़ पेनिनसुलर इंडिया, जिन्हों आपां साउथ इंडिया भी कह दें। पेनिनसुलर कोई चीज़ होंदी है जो हिस्सा 3 हिस्सों 3 साइड तो पानी नाल घिरिया होवे। सो जो इंडिया का सदरन रीजन है ये 3 साइड तो पानी नाल घिरिया होया है। सो इनू कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया। पहलियां 3 या 4 साइड्स दे विच मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर तुसी इन्हां नूं डिटेल करना है तुसी लैक्चर नंबर 6 देख सकते हो, एक एक चीज़ थोनू उन्दे डिटेल दसी गई है। सो उस तो बाद आपां कीता सी कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर है, 18th रैंक है। फिर आपां कीता सी भी कि 9 स्टेट्स एंड कि यूटीज है जो इंडिया के कोस्टल लाइन का हिस्सा है। ये वो स्टेट्स या वो यूनियन टेरेटरीज है जिन्हों का जो बाउंड्री है वो समुंदर के नाल लगती है। सो ये सारिया आप इन डिटेल आप किता। दैन आप किता बहुत इंपोर्टेंट कोस्टल जोन जो वो 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरेटरीज है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जोनस नूं की किया जाता है। कुछ स्टेट्स का कंबीनेशन है लाइक कोंकण जोन, अगर आप कही महाराष्ट्र के गोवा के तट नूं मिला के कोंकण जोन किया जाता है। दैन आपां गल करिए कि मालाबार कोस्ट की चीज़ है, कोरोमंडल कोस्ट की चीज़ है, उत्कल कोस्ट की चीज़ है, तां ये सारी चीज़ आपां इन डिटेल आपां डिस्कस करके आ चुके हैं। अज दी साइट दे विच आपां गल करांगे टोटली एंड टोटली आउटसाइड बाउंड्री दे ट्रांसपोर्ट नाल मीनस पोर्ट्स नाल बंदरगाह दी आपां गल करांगे। दैन आपां एक होर इंपोर्टेंट कीता सीगा कि लिस्ट ऑफ दी स्टेट्स जिन्हां दी कोस्ट लाइन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपां रैंकिंग वाइज कीता सी तां टॉप ते गुजरात, 2nd आंध्र प्रदेश, 3rd तमिलनाडु, 4th महाराष्ट्र एंड 5th इज़ केरला। दैन
हुण आपां गल करदे आं पोर्ट्स, जिवें मैं तुहानूं कहा कि पोर्ट्स मीनस बंदरगाह। बंदरगाह की चीज़ है? एक चीज़ होर, आपां लास्ट लैक्चर च मैं तुहानूं दस्सिया सी कि आपां इत्थे गल कर रहे हां कमर्शियल यूज़ दी, मीनस आपां गल कर रहे हां कारगो दी। आपां एक बारी पैसेंजर दी गल नहीं कर रहे, पैसेंजर तां नाल नाल हो ही जांदे है जो ट्रांसपोर्ट है, बट आपां पैसेंजर दी बजाए आपां कारगो दी ज़्यादा गल कर रहे हां, आपां व्यापार दी गल कर रहे हां। इंडिया दा व्यापार, पहला आपां गल कीता कि इनलैंड गुड्स किवें ट्रांसफर हुंदियां है, अज दे लैक्चर च आपां गल करांगे कि आउटसाइड दी कंट्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू वाटर मीडियम। वाटर जो है ना, बड़ा एक सिखो कि एक स्मूथ वे रहिंदा है ट्रांसपोर्ट दा, प्रोवाइडेड कि उहदे च कोई टर्बुलेंस ना होवे। कई बार जरूर तुहानूं पता है जिवें एम्फन जो है वो तूफान आ गया, दैन कई बार फानी तूफान आ गया, उस टाइम ते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंदी है। अदरवाइज जो वाटर जो है वो एक बड़ा स्मूथ सरफेस देंदा है पोल्यूशन फ्री एंड हैजल फ्री ट्रांसपोर्ट के लिए। सो कारगो तुसी याद रखना है, कारगो नूं तुसी इन्ना याद कर सकते हो वैसे ही कि कारगो का मतलब होंदा कमर्शियल गुड्स। अगर CAR नूं आपां कमर्शियल कहिए एंड GO नूं अगर आपां गुड कहिए, तो कमर्शियल गुड्स जिहड़े कमर्शियल कंटेनर, कमर्शियल चीज़ा जो एक देश तो दूजे देश जांदी हैं, तो वो थ्रू अगर वाटर मीडियम जांदी हैं तो वो जांदी हैं थ्रू पोर्ट्स दे। सो पोर्ट, पोर्ट की चीज़ है, पोर्ट एक बंदरगाह है। अगर आप गल करिए रेलवे की, तो अपने लिए की इंपोर्टेंट होंगे है कितने जो मेन जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम रहा है वो रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं। बस स्टैंड कहिए तो बस कहिए तो बसिस बस स्टैंड बनाए जाते हैं। एंड अगर आप गल करिए एयर की, तो एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। इस तरह अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट की गल करिए तो आपको लोड़ पैंती है पोर्ट्स की। सो चलते हैं अगे। एक सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक, थोनू बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड एक चीज़ तुसी ध्यान रखनी है कि इनू समझन तो बाद तुसी खुद आपदी नॉलेज पहला चेक करनी है कि थोनू ये पहला चीज़ पता सी, नहीं पता सी तो थोड़ी नॉलेज एनहेंस हुई है। एंड जो भी थोड़े फ्रेंड्स भाई भाई बंधु है उन्होंने ये चीज़ जरूर दसनी है, या उन्होंने तो ये डिफरेंस पूछना है कि थोनू पता है कि आप जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट की गल करते हैं, कई बार आप गल करते हैं पोर्ट की, कई बार आप गल करते हैं डॉक की, कई बार आप गल करते हैं आर्बर की, एंड कई बार शिपयार्ड, तो इन्हें की डिफरेंस, ये की चीज़ा होंदिया। सो आप इनू समझते हैं पोर्ट, पोर्ट की चीज़ है। पोर्ट एक मैरीटाइम प्लेस है वेयर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गो इज देयर। ये एक्चुअली वो जगह है जिहड़ी जगह पर कारगो की लोडिंग एंड अनलोडिंग की जाती है, एंड ये उही जगह है जिथे सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेज किए जाते हैं। हुणे इहनूं आपां डिटेल च भी करांगे। दैन सैकेंड इज आर्बर, हार्बर या आर्बर। आर्बर की चीज़ है, ए प्लेस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। अगर आप डिक्शनरी मीन देखिए ना हार्बर का, वो की होंगे अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। सो इन केस ऑफ पोर्ट्स हार्बर की चीज़ है, इट इज़ अ वास्ट स्पेसिंग प्लेसिस वेयर शिप्स एंड कारगोज आर एंकर्ड। एंकर्ड मतलब बन्ने होना किसी चीज़ नाल, किसी चीज़ नाल बन्ने हुए है। मीनस अगर तुसी इस चीज़ नूं थोड़ा भी ध्यान नाल समझे हो तो इहदा मतलब है पार्किंग। किसी भी चीज़ की जो आप पार्किंग करते हैं, हुणे आप एक एग्जाम्पल लवेंगे, पार्किंग इज आर्बर। दैन वट इज़ डोकयार्ड, डोकयार्ड की चीज़ है प्लेस वेयर शिप्स एंड वैसल्स आर रिपेयर्ड, जिथे रिपेयर किए जाते हैं। ये दो तरह के होंगे है वैट डोक एंड ड्राई डोक। दैन शिपयार्ड, दैन शिपयार्ड की होंगे, शिपयार्ड वो जगह होंगी है जिथे शिप्स की मैनुफैक्चरिंग की जाती है, डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। सो थोड़ा होर डिटेल करते हैं, हजे आप इन्नी डिटेल नहीं डिस्कस की। पोर्ट देखो, अगे चलन तो पहला आप जस्ट एक एग्जाम्पल लेने, आप एग्जाम्पल लें, तुसी सारे नो डाउट तुसी गए होंगे बस स्टैंड ते, बस स्टैंड ते तो गए हो ना, बस से आप सफ़र करते हैं। सो बस स्टैंड ते की चीज़ होंगी है, एक तो होंगे टर्मिनल्स, टर्मिनल कह देंगे है ना 1 2 3 4, उत्थे एक्चुअल ना बसिस जो है आके खड़ी हैं, एंड इतने इन्हों की लोडिंग अनलोडिंग या सवारियां वो लेंदियां या वापस छड़दियां। तो अगर आप पोर्ट की, अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट की गल करिए, एक्चुअल लोडिंग एंड अनलोडिंग जिथे होंगी है उन्होंने क्या जाता है पोर्ट। पिछे आप ये कह सकते हैं कि एक ना पार्किंग बनी होंगी है जिथे बसिस रात नू या जदों उन्हां दा टाइम नहीं है तो वह खड़िया होंदी है। वह अगर आप सेम शिप की गल करिए तो वह हो जाता है हार्बर। हार्बर देखो, आ शिप्स खड़ी हैं दूर दूर,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਬਰ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੀਨਸ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹਾਰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੋਕ ਯਾਰਡ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਯਾਰਡ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ: ਪੋਰਟ, ਡੋਕ, ਹਾਰਬਰ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੋਕ ਯਾਰਡ। ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਵੇਅਰ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਟ ਡੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਟ ਡੋਕ ਮੀਨਸ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਟ ਡੋਕ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਡਰਾਈ ਡੋਕ। ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਤਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵੈਟ ਡੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਤਾ ਆਪਾਂ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈ ਡੋਕ। ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਆਰ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਵੈਟ ਐਂਡ ਡਰਾਈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਆਵਰ ਪਰਪਸ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ 2020 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡਰਾਈ ਡੋਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਪੋਰਟ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੋਰਟ? ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈ ਦੀ ਪੋਰਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7516 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜੋ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜੋ ਹੈ ਏਅਰ ਕਾਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਰੇਲ ਕਾਰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨਲੈਂਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਰਾਨ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲ ਗਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸਟਲੀ ਪਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਓਇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਈਵਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 95% ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 95% ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ 95%। ਸੋ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਇਨਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ, ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਵਰਸ ਅਤੇ ਇਨਲੈਂਡ ਵਾਟਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਾਰਾਣਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਗੋਆ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੋਆ ਦਾ ਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਰਮੁਗਾਓ ਪੋਰਟ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ 95% ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿ ਮੁਗਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਕੀ ਹੈ? ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। 1954 ਦੀ ਆਰਕਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾਈ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਲੋਥਲ, ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਥਲ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁਦਾਈ 'ਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ASI ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਡੋਕ ਯਾਰਡ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਕ ਯਾਰਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਰੂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਥਲ ਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਟ ਲੋਥਲ ਗੁਜਰਾਤ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਜਰੀਸ ਪੋਰਟ। ਮੁਜਰੀਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਮੁਜਰੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2000 ਈਅਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਜਰੀਸ ਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪੋਂਪੂਹਾਰ ਪੋਰਟ। ਪੋਂਪੂਹਾਰ ਪੋਰਟ ਹੈ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ 'ਤੇ, ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਕੋਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਨਾਗਾਪਟੀਨਮ, ਨਾਗਾਪਟੀਨਮ ਪੋਂਪੂਹਾਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ। ਚੋਲਾ ਐਮਪਾਇਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਂਪੂਹਾਰ ਜਾਂ ਪੁਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਪੁਹਾਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਆਏ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਮੰਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਮੁੰਬਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਪੋਰਟ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਨੈਰੀਓ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੋਰਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਸੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇਅਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੋਰਟ।
वन इज मेजर पोर्ट, सेकेंड इज माइनर पोर्ट। वट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज देयर मोड ऑफ ऑपरेशन, कि वो उन्हों का किन्ना को कमर्शियल, किन्ना ज़्यादा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस, पोर्ट वड्डे या पोर्ट छोटे जो है आपां डिफरेंशिएट किया गया है। अगर आप मेजर पोर्ट्स की गल करिए, पोर्ट्स जिन्हों की इंटरनेशनल रेकोगनीशन है उन्होंने मेजर पोर्ट किया जाता है, एंड दे आर टोटल इन 13 नंबर। 13 मेजर पोर्ट्स है, एंड मेजर पोर्ट्स नू कौन रेगुलेट करता है? मेजर पोर्ट नू उन्हां दा पोर्ट ट्रस्ट, हर पोर्ट, जिवें अगर आपां कोलकाता पोर्ट की गल करिए तां कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई की गल करिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, ये पोर्ट ट्रस्ट होंदी है जिहड़े कि बनाए गए सी पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 दे 1963 दे तहत बनाए जाते हैं। एंड ओबवियसली इन्हां नू ये जो है ये सैमी ऑटोनोमस होंगे है, कि पोर्ट ट्रस्ट बनाता तो पूरी तरह ऑटोनोमस नहीं हो जाते, बल्कि वो सैमी ऑटोनोमस होंगे है जिन्होंने कौन देखता है? सेंटर गवर्नमेंट। एंड एक्सैप्ट वन पोर्ट, एक पोर्ट है तमिलनाडु के एन्नोर पोर्ट, आप करांगे अगे जाके, सिर्फ वो पोर्ट है जो कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया है, अदरवाइज सारे जो पोर्ट्स है वो पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा बनाए गए है। एंड जो माइनर पोर्ट्स होंगे है ये नीयरली 200 के करीब है इंडिया के, एंड इनू कौन देखता है? स्टेट मैरीटाइम बोर्ड। सो अगर तुम एक लाइन के अगर आप गल करिए मेजर पोर्ट में कौन देखता है? सेंटर गोरमेंट। माइनर पोर्ट में कौन देखता है? स्टेट गोरमेंट। तुम इन्ना भी याद रख सकते हो, तुम ये जरूर याद रखना है कि इंडिया के किन्ने मेजर पोर्ट है? मेजर पोर्ट है 13। ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स? देखो मैप दे विच दिखाया गया है आ सारे मेजर पोर्ट्स है इंडिया दे, इन्हें तुसी बाद चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बाद देख लेना। एंड दे विच सिर्फ दो पोर्ट है जो आपां ऐड करांगे, इन्दे विच एक तां जो महाराष्ट्र दा 13 नंबर जो इस जगह पर बनाया गया वधावन पोर्ट वो ऐड करांगे, एंड एक पोर्ट होर इन्दे च ऐड होएगा। आपां वन बाय वन सारा पोर्ट्स नू डिस्कस करते हैं। नाउ हुण आपां चलदे हां मेजर पोर्ट्स दे वल। हुण आपां डिस्कस करांगे 13 दे 13 मेजर पोर्ट्स इंडिया दे, एंड कुछ माइनर पोर्ट्स। माइनर पोर्ट्स की भी आप डिटेल नहीं करांगे, कुछ 15-16 सिर्फ वो डिस्कस करांगे जिहड़े एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपोर्टेंट है, या वो पोर्ट्स है जो हौली हौली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाल नूं वध रहे है। सो आप उन्हां पोर्ट्स की गल करांगे, लेकिन 13 दे 13 मेजर पोर्ट्स ते उन्हां दी की स्पैशलाइजेशन है, की उन्हां दी लोकेशन है, ये सारी चीज़ आपां नूं पता होनी चाहिए है। सो विद पिक्चर्स अगे दी तरह आपां डिस्कस करांगे, ताकि आपां नूं वन बाय वन हर चीज़ डिस्कस होंदी जावे, हर चीज़ आपां नूं समझ आंदी जावे। सो आपां गल करांगे ईस्ट कोस्ट तो। सो तुहानूं कोस्ट बारे थोड़ा थोड़ा दस दां, आपां ईस्ट कोस्ट तो चलते हाँ आ इस जगह पर, ठीक है। ईस्ट कोस्ट आ अपना ईस्ट कोस्ट है, एंड आ अपना वैसट कोस्ट है, ठीक है। लास्ट लैक्चर थोड़ा मैं दसिया भी इस जगह पर डेल्टाज होंगे है, इस जगह पर ईस्चुरी होंगी है। ज़्यादा डिटेल समझना तो सिक्स लैक्चर लगा सकते हो इन। सो फर्स्ट पोर्ट कोलकाता पोर्ट, कोलकाता जिन्हों क्या जाता है गेट वे टू ईस्टर्न इंडिया। ओके, स्टेट इज वैसट बेंगोल। सो एंड स्पैशलिटी की है? स्पैशलिटी ये है कि 2020 दे विच ही इस जो पोर्ट है इन्हें 150 ईयर्स कंप्लीट कर ले, 150 ईयर्स इस पोर्ट ने कंप्लीट कर ले। एंड उस ओकेशन ते इस पोर्ट का नाम चेंज किया गया, एंड पीएम द्वारा ये नाम दिता गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। याद रखना सी कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन सी गे? ही वॉज दी फाउंडर ऑफ जनसंघ। जनसंघ जो बाद जाके भारतीय जनता पार्टी का नाम दिता गया जिन्हों, सो जनसंघ दे जो फाउंडर सी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हां दे नाम ते कोलकाता पोर्ट का नाम दिता गया। एंड की खासियत है इस पोर्ट की? अगर आप इस पोर्ट की गल करिए पोर्ट रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है जो हुगली रिवर ते जो है वो लोकेटिड है। नाउ हुण तुहानूं पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि रिवराइन पोर्ट की होंदा है। पोर्ट सिर्फ यही नहीं होंदा कि समुंदर दे किनारे बने, कि अगर मान लो अगर आपां आ गल करिए इस जगह पर मान लो कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता पोर्ट एक मेजर पोर्ट इस तरह का पोर्ट है जो एग्जैक्ट समुंदर ते नहीं है, बल्कि थोड़ा जा अंदर जाके है। एंड अंदर जाके इट मीनस कि कोई ये तो है नहीं कि पोर्ट नूं आपां थ्रू रोड समुंदर ते ले आने, तो एक रिवर आती है, वो रिवर है हुगली। सो किस तरह आंदा है कि आ मान लो अपना समुंदर है सारा, इस जगह पर हुगली रिवर आ रही है जो इधर आके डेल्टा बना देती है, हुगली रिवर, इस हुगली रिवर पर बनाया गया कोलकाता पोर्ट। सो
सो जो चार्ज है, जो शिप्स है, वो सब तो पहला इन्ना जो वे कर दी है रिवर दे विच, देन वो समुंदर दे वाल नू जांदी है। थोनू पता ना एग्जाम दे विच साइंस दे विच एक क्वेश्चन भी आंदा है कि जदों कोई शिप रिवर तो समुंदर दे विच जांदी है तो उन्दे च की डिफरेंस आंदा है, कि वो थोड़ी नीचे दब जाती है या उन्दी थोड़ी जी ऊपर जो सतह ऊपर आ जाती है। इस क्वेश्चन का जवाब भी तुसी देना है, ठीक है। सो ये चीज़ होंगी है, सो ये है रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट वो पोर्ट होंगे है जो एग्जैक्ट समुंदर ते ना होके समुंदर दे द्वारा किसी ना किसी रिवर नाल जो है वो जुड़िया होंगे है। मीन्स अगर आप गल करिए द पोर्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू सी, इट इज़ ऑन द रिवर एंड दैट रिवर इज़ कनेक्टेड टू सी, दैन दैट पोर्ट इज़ नोन एज रिवराइन पोर्ट। सो इनका जो हार्बर है उस हार्बर को कहते हैं डायमंड हार्बर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हार्बर। देन ये की हैंडल करता है, हैंडल्स गुड्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड नेबरिंग लैंड लॉक कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान। सो तुसी एक चीज़ याद रखनी है, आप हर पोर्ट बारे गल करांगे कि इनकी इंपोर्टेंस की है। सो जिस तरह की लोकेशन होंगी है, जिमें देखो इस जगह पर कोलकाता है, सो कोलकाता इधरले जो अपने साउथ ईस्ट कंट्रीज है या इधर नेपाल भूटान हो गया उन्होंने सर्विसेज देंदा है, ओबियसली गल है ना। हुण इस पासे जो मान लो कुछ कंट्रीज है, मान लो ईरान है, हुण ईरान तो जो तेल आएगा वो आप इस साइड कोशिश करांगे कि जो वेस्टर्न जोन है इधर आप किते ना किते इन्हां दी जो है वो रूट रखिए। अगर आ जो है इस तरह घूम के उधर जाएगा तो उस तरह तो एक तो टाइम की वेस्टेज होएगी प्लस रिसोर्स की वेस्टेज होएगी। सो डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन जो है वो पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देता है। सो सर्विस सारियाँ लिखिया हुई हैं। देन एक होर सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज़ हिंटरलैंड एरिया। आप लिखा कि इनका हिंटरलैंड एरिया की है, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। सो व्हाट इज़ हिंटरलैंड एरिया, सो हिंटरलैंड एरिया इज दैट एरिया फ्रॉम वेयर कार्गो कम्स टू दी पोर्ट, यानी कि जेड़े जेड़े जेड़ियां जेड़ियां स्टेट्स इस तो बेनीफिट लेंदियां उत्थे कार्गो या तो आंदा है या उत्थों एक्सपोर्ट होने लई जांदा है, तो उस एरिए नू उस पोर्ट का की क्या जांदा है हिंटरलैंड एरिया। इट मीनस कि जो कोलकाता पोर्ट है उनका हिंटरलैंड एरिया है वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट नेक्स्ट अपना है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट एक अलग तो मेजर पोर्ट नहीं है, समझो गल नू। हल्दिया पोर्ट जो है वो दिस इज दी पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, उसे दा ही पार्ट है। क्यों बनाया गया, देखो लिखा हुआ स्पेशलिटी की है पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ये भी एक रिवराइन पोर्ट है जो हुगली एंड हल्दिया रिवर के मुहाने पर बनया हुआ है। सो इन्हों का मेन बेनीफिट की है कि जो कोलकाता पोर्ट बहुत व्डे लेवल का पोर्ट है। ईवन थोनों एक चीज़ होर अगर थोड़ा याद रखनी पड़ेगी कि कोलकाता पोर्ट अपने इंडिया का पुराने पोर्ट से तो आप कि 5 हज़ार साल पुराना लोथल पोर्ट भी है, लेकिन अगर आप पोर्ट की गल करिए कि जो डेवलपमेंट होने लगी तो यूरोपियन तुसी जानते हो, अगर तुसी हिस्ट्री पढ़ी, ओबियसली पढ़ी है तुसी हिस्ट्री, कि औरंगजेब जो मुगल एम्पीरियर सीगे उन्होंने अलाउ किया यूरोपियन नू कि तुसी ईस्टर्न कोस्ट ते आपका समान वगैरह लेके आ सकते हो थ्रू मैरीटाइम। सो उस टाइम ते जो पोर्ट डेवलप किया गया उसी कोलकाता पोर्ट। सो कोलकाता पोर्ट पुराने होने के नाल नाल बहुत उत्थे ट्रैफिक है, सो उस ट्रैफिक नू हल्का करन लई हल्दिया पोर्ट बनाया गया। सो उस हल्दिया पोर्ट इट मीनस कि दिस इज द पार्ट ऑफ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। आ पोर्ट दिखाया भी गया, पोर्ट सारे इको वर्गे है, जो तुहानू पिक्चर तां सेम ही लगनगे ऑलमोस्ट। सो एक चीज़ होर है, ये दोनों पोर्ट केड़ी जगह है, हुगली रिवर ते। एंड इस जगह पर ना सिल्ट इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है, काफ़ी बारी न्यूज़ आता है सिल्ट। सिल्ट मीनस कि जो मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है उस रिवर दे विच, तां फिर काफ़ी मुश्किल होंदा है फिर कोई पानी वगैरह गंगा नदी तो होर ज़्यादा पानी भेज के हुगली रिवर दे विच पानी की सतह नू वधा के या लेवल नू वधा के तो उन्हां जो शिप्स है उन्होंने वापस जो है वो समुंदर की तरफ भेजा जाता है। सो ये इशू भी रहिंदा है हुगली रिवर ते। सो दिस इज़ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जिंदा एक जो है वो पार्ट है हुगली। नैक्सट नैक्सट आप गल करिए, नैक्सट है उड़ीसा। उड़ीसा दे विच है पारादीप पोर्ट, पारादीप। सो पारादीप जो है इट इज़ सुटेड फॉर वेरी लार्ज शिप। तुसी एक चीज़ होर याद रखनी है कि अगर आप इस तरह कोस्ट की गल करते हैं, जो इस कोस्ट तो लैके कोरोमंडल तक,
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਐਸ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਾਦੀਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਪ ਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰਜ ਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਦੀ ਕੋਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਉਨੇ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਾਦੀਪ ਕੋਸਟ ਸੂਟਿਡ ਫੋਰ ਵੈਲੀ ਲਾਰਜ ਸ਼ਿਪਸ, ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਹਾਨਦੀ ਡੈਲਟਾ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਐਲਮੂਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾਦੀਪ ਕੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਔਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਝਾਰਖੰਡ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਦੈਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੀਪੈਸਟ ਪੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡੀਪੈਸਟ ਪੋਰਟ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਨੈਵਲ ਕਮਾਂਡ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪ ਰਿਪੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਕੋਰਸ, ਆਇਰਨ ਜੋ ਔਰ ਹੈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਾਈਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਨਰਲ ਓਇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ? ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪੋਰਟ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਕਾਂਡਲਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਓ ਖੰਗੇਰਜੀ ਪੋਰਟ, ਇਹ ਜੋ ਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਟਾਈਡਲ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਟਾਈਡਲ ਪੋਰਟ, ਟਾਈਡਲ ਪੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਟਾਈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋ ਟਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈ ਟਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਨ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਤਵਾਕਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਡਲ ਪੋਰਟਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਰਟ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਹੈ? ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ। ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਗਲਫ ਆਫ ਕੱਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, JNK, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ, ਐਂਡ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗੈਸਟ ਪੋਰਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਹਾਰਬਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਜਾਂ ਬਿਗੈਸਟ ਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਐਂਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, MP, ਗੁਜਰਾਤ, UP, ਸਮ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੋਰਟ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਬਿਗੈਸਟ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ, JNPT, JNPT ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਨਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਪੋਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਕੇਵਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਕੇਵਸ, ਐਲੀਫੈਂਟਾ ਕੇਵਸ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼? ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ JNPT, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ। ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 13th ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ।
वधावन पोर्ट जो है वो भी महाराष्ट्र दे विच है। आ एक न्यूज़ आई सी सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत वधावन पोर्ट, सो लीड पार्टनर JNPT ही है, JNPT ट्रस्ट दे ही अंडर है। 50% तो ज़्यादा शेयर जो है वधावन पोर्ट का वो महाराष्ट्र दे विच ही है। एंड सब तो इंपोर्टेंट तुम्हें याद रखना है कि ये एक लैंड लॉर्ड मॉडल से बनाया गया है। लैंड लॉर्ड मॉडल की होंगे है, दिस इज़ अ PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिड़ी जगह पर जगह का मालिकाना हक रहा है गोरमेंट का, लेकिन उस जगह पर जो वर्क करने की परमिशन होंगी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन होंगी है, वो एक प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। दैट इज़ लैंड लॉर्ड मॉडल। सो 13 पोर्ट वधावन पोर्ट। नेक्स्ट आप गोवा की गल करिए, गोवा का सब तो इंपोर्टेंट है मुरमुगाऊ पोर्ट। सो मुरमुगाऊ पोर्ट क्यों इंपोर्टेंट है, मैं थोड़ा दस के आ चुका हाँ कि मल्टी कॉमोडिटी प्रोजेक्ट इतने भी बन रहे हैं, ठीक है। जुआरी एस्चुरी ते है, ये नेचुरल हार्बर बंद है, एंड ये भी आयरन ओर लई फेमस है, एंड गोवा कर्नाटका एंड सदरन महाराष्ट्र के हिंटरलैंड है। सो मुरमुगाऊ पोर्ट। नेक्स्ट कर्नाटका, कर्नाटका दया जो सदरन रीजन है बिल्कुल नीचे की तरफ जो कोना है उस जगह पे है न्यू मैंगलोर पोर्ट। केड़ी जगह है, गुरुपुरा रिवर दे मुहाने पे है। एंड ए वी आयरन ओर, स्पेशली जो कर्नाटका दी जो कुद्रेमुख माइंस हैं, कुद्रेमुख माइंस तो जो आयरन ओर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज नू जांदा है। उस तो इलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉफ़ी, थोनों पता है कर्नाटका कॉफ़ी के मामले के टॉप पे है। सो उस जगह तो मेनली इन द हिंटरलैंड जो है वो है कर्नाटका। सो दिस इज न्यू मैंगलोर पोर्ट। एनू डिटेल्स दोस्तों तुसी स्टडी करना है, ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगा तो 1 घंटे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। सो तुसी इन्हें स्क्रीनशॉट लेने हैं, इन्हें तो नोट्स बनाने हैं, है ना। सो केरला, केरला का सब तो इंपोर्टेंट कोची, कोची थोनों पता ही है कोची नू की कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। सो कोची लोकेटिड कितने है, वेम्बनाड लेक के मुहाने पर, नेचुरल हार्बर बनता है, एंड हैंडल करता है स्पाइसिस। केरला थोनों पता है मसालों के मामले के टॉप स्टेट है स्पाइसिस के मामले, टी, कॉफ़ी, कॉफ़ी भी इतने अरेबियन कॉफ़ी वगैरह इतने चलती है। इंपोर्टेंट ऑफ मिनरल ऑयल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, एंड हिंटरलैंड एरिया इज केरला एंड तमिलनाडु। दोस्तों डेली टू डेली एंड थोड़ा थोड़ा जीके करने का बेनीफिट ये होंगे है कि देखो आप करता पोर्ट्स रहे हैं, लेकिन आपको किन्नी ज़्यादा अपनी नॉलेज इनक्रीज़ हो रही है कि मान लो थोड़ा क्वेश्चन आ गया कि वेम्बनाड लेक कि स्टेट के है। सो अगर तुम आ सारे टॉपिक किए हुए तो ना ना दस सकते हो कि दिस इज़ वेम्बनाड लेक एंड दिस इज़ इन दी केरला। सो जिवें जिवें आप सारे टॉपिक पढ़ते जावे ना, सारे के सारे टॉपिक्स आर इंटरलिंक। सो आपको एक जगह तो दूसरी जगह तो नॉलेज बड़े ईजीली होंगी जाती है। सो नेक्स्ट इज केरला तो बाद आप गल करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के भी 3 पोर्ट है जो सब तो इंपोर्टेंट है। फर्स्ट इज चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट इज़ दी ओल्डेस्ट ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट से सब तो पुराना पुराणिया चो है, जिथे आर्टिफिशियल हार्बर बनाया गया 1859 के। बट ये नोट सूटेबल है लार्ज शिप्स ले रही, जिमें मैं तुम्हें दसिया कि कोरोमंडल कोस्ट से जो वाटर है वो डीप ना होकर शैलो वाटर है। सो इनू ए बिग जो शिप्स है उन्होंने नहीं, लार्ज शिप्स नहीं कैटर कर सकता। एंड दी हिंटरलैंड इज तमिलनाडु एंड पुंडुचेरी। नैक्सट इन दी तमिलनाडु इज एनोर और कामाराजार पोर्ट। सो दिस इज़ वन एंड ओनली पोर्ट जिहड़ा कि प्राइवेट या कॉरपोरेट जो कॉरपोरेट नाल रिलेट करता है, बाकी सारे पोर्ट बनाए गए है पोर्ट ट्रस्ट एक्ट इंडिया 1963 दे नाल, लेकिन जो कामाराजार पोर्ट है एक कंपनी है, ये बनाया गया कंपनीज एक्ट 1956, कदों बनाया गया अक्टूबर 1999 दे विच, लेकिन है इंडिया का मेजर पोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर लिखे है कि दिस वाज दी 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज तुतीकोरीन, तुतीकोरीन पोर्ट, तुतीकोरीन पोर्ट, तुतीकोरीन पोस्ट जो है इतने भी आर्टिफिशियल सी हार्बर है। एंड मेन पर्पज की है, तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट के बिल्कुल साउथ पे है, इतों तो श्रीलंका सब तो नज़दीक पैंदा है। सो श्रीलंका नाल व्यापार करन दे मेन परपज लई तुतीकोरीन पोर्ट बनाया गया है। हिंटरलैंड जो है इनका सदरन तमिलनाडु है, यानी कि मदुरई डिस्ट्रिक्ट, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, रामानाथापुरम डिस्ट्रिक्ट। सो इन्हां नाल जो श्रीलंका का व्यापार होंदा है, किंदे विच कोल, साल्ट, फूड, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सो इन्हां नाल रिलेटिड करदा तुतीकोरीन पोर्ट इन तमिलनाडु। सो ऑल दीज वर दी 13 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। दैन दोस्तों थोड़े माइनर पोर्ट्स आते हैं, जिमें कि आप कि माइनर पोर्ट 200 के करीब माइनर पोर्ट्स है इंडिया के, लेकिन आपको सारे याद रखने की लड़ नहीं है। कुछ पोर्ट्स जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नाल,
डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नाल या आप ये कह लो कि ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के नाल इंपोर्टेंट है, वो माइनर कोर्स सिर्फ आप इतने करांगे। आंध्र प्रदेश ते तमिलनाडु इन्हां दे सब तो ज़्यादा पोर्ट्स है जो हौली हौली डेवलप हो रही है। सो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, गंगावरम, नकापल्ली, मछलीपट्टनम एंड कृष्णापट्टनम, ये पांच जो है अपार्ट फ्रॉम मेजर, तुसी ये पांच माइनर पोर्ट्स याद रखने हैं। गुजरात की गल करिए, मुंद्रा, मुंद्रा बहुत इंपोर्टेंट है। मुंद्रा का एक पावर स्टेशन भी आंदा है कि वेयर इज दी मुंद्रा सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज देयर, दैट इज इन दी गुजरात। पीपावाव, जाफराबाद, दहेज एंड नावलखी, ये सारे है गुजरात दे विच। देन अपने वेस्ट बंगाल का सब तो इंपोर्टेंट जो माइनर पोर्ट है वो है कुलपी। कर्नाटका का है करवाड़ एंड तमिलनाडु दे कुडालोर, रामेश्वरम, नागापट्टिनम एंड कोलाचेल। सो दीज आर ऑल अबाउट माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। इन्नेक माइनर पोर्ट्स तुसी याद रखने हैं। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज दे लेक्चर दे विच आपां कीता मेजर एंड माइनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, एस दे नाल ही आपां वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि एक लेटेस्ट सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम दा, वो आपां कर लिया है। सिक्स लेक्चर दे विच आपां उनकी इंट्रोडक्शन की, इनलैंड वाटरवे किया। एस लेक्चर दे विच आपां आउटसाइड दी कंट्री वाटरवे जो है उन्हों आपां किया। सो नैक्सट लेक्चर दे विच आपां इन्हां ते बेस हुण तक जो जो क्वेश्चन बने है या जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हां बारे आपां सारा डिस्कस करांगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लग्या, फीडबैक जरूर देनी है। कोई कमी लगी वो भी फीडबैक देनी है, कोई थोड़ा सजेशन होवे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। रब रखा।